अप कीपर सेल्स अइस ही बाई इट एट अ रेट फिफ्टी परसेंट लेस देन द सेलिंग प्राइस हिज टोटल सेल वैल्यू फॉर अ मंथ हिज फाइव लैक फिफ्टी थाउजेंड एंड ही पेज एट थाउजेंड एज ए रेंट ऑफ द शॉप एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द मंथ इज ठीक है भाई देखो जो उसका सेलिंग जो उसका सी पी है ना वो फिफ्टी परसेंट फिफ्टीन परसेंट लेस है एस पी का यानी करने का मतलब ये हुआ कि एस पी उसका सौ रुपये है एस पी उसका सौ है तो इसका पंद्रह प्रतिशत कम यानी कितना हो जाएगा एटी फाइव यानी कि सी पी कितना होगा आपका एटी फाइव होगा सौ की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है पचपन पाँच पाँच लाख पचास हज़ार है सौ की वैल्यू यानी कि इसका कितना गुना है भाई पचपन सौ गुना है जो क्रैमुल होगा ये भी पचपन सौ गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका पंच पच्चीस और आठ पाँच चालीस दो बयालीस इसमें पाँच सौ और करना पड़ेगा पाँच दो चार तो ये कितना हो जाएगा आपका पाँच सात छः चार और डबल ज़ीरो तो सी पी एस का कितना आ गया छः चार लाख सड़सठ हज़ार पाँच सौ और उसका एस पी कितना था भाई पचपन पाँच लाख पचास हज़ार था लेकिन इसमें बोला गया है ना कि ये आठ हज़ार रुपये और इसमें डालता है यानी कि रेंट के लिए खर्च करता है तो रेंट के लिए भी ई सी में ऐड होगा यानी कि आठ हज़ार और हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका जीरो जीरो पाँच पाँच एक सात ये हो जाएगा कितना चार तो जो उसका फाइनल सी पी आई भाई ये है उसका एस पी कितना है पचपन हज़ार ये है ठीक है तो आप हमें यह करो कि प्रॉफिट कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा प्रॉफिट इक्वल्स टू होता ही है भाई कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है एस पी माइनस का सी पी तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट निकल कर आएगा और परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है ये होता है प्रॉफिट गुना और प्रॉफिट कितना हो जाएगा डबल जीरो तो डबल जीरो यहाँ से कर देते हैं दस में से पाँच जाएगा पाँच हो जाएगा नौ में से पाँच जाएगा चार हो जाएगा पंद्रह में से सात जाएगा आठ हो जाएगा सॉरी चौदह में से सात जाएगा सात हो जाएगा ठीक है चौहत्तर हज़ार पाँच सौ उसका प्रॉफिट आ गया बटे में कितना हो जाएगा आपका जो टोटल उसका सीपी था वो हो जाएगा सीपी कितना था चार लाख पचहत्तर हज़ार पाँच सौ और गुना सौ तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आ जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट अब देखो यहाँ से ऑप्शन का हम सारा ले सकते हैं भाई कैसे भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि अगर मैं इसका इसको मल्टीप्लाई करूँ पहले वाले ऑप्शन से तो मैं देखूँगा कि अगर मैं पहले वाले ऑप्शन चौदह से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें तो वैल्यू जो है इसके करीब आनी चाहिए चौहत्तर हज़ार पाँच सौ के करीब आना चाहिए चौदह पाँच सत्तर और चौदह पाँच सत्तर और सात कितना होता है भाई सतहत्तर चौदह सतह कितना होता है अठानबे और चौदह सतह अन्ठान अन्ठानबे और सात कितना आठ सात पंद्रह पाँच यानी कि दस हुआ और चौदह चौबी का छप्पन और दस कितना छियासठ देखो भाई चौहत्तर ही तो छियासठ ही आ रहा है ना बहुत कम आ रहा है बहुत कम दस हज़ार का गैप आ रहा है यानी कि ऑप्शन नहीं हो सकता पंद्रह दस मान लो सात है यानी कि हम इसको सोलह लेंगे तो इससे वैल्यू थोड़ा सा कम आना चाहिए इससे वैल्यू थोड़ा सा कम आना चाहिए ठीक है अब तो बारह तो होगा नहीं चौदह नहीं होगा तो बारह भी नहीं होगा अगर मैं यहाँ से दोनों दो ऑप्शन बचिए रहे हैं यहाँ से अगर मैं पंद्रह लेता हूँ अगर या फिर मैं इसको सोल सोलह लेता हूँ तो वैल्यू थोड़ा सा कम आना चाहिए सोलह पच्च अस्सी आठ सोलह पंच अस्सी आठ अठासी सोलह सत्तर कितना होता है 112 आग, कितना एक सौ बारह और प्लस में आठ कितना हो जाएगा आठ दस और एक एक दो और एक सौ बीस जीरो बारह हुआ और सोलह चौका चौंसठ और प्लस में बारह चार दो छः से एक सात एक छः यानी कि छिहत्तर देखो चौहत्तर से थोड़ा सा ज़्यादा है मैंने बोला था ना कि चौहत्तर से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा तो कौन सा ऑप्शन मैच करें ऑप्शन नंबर टू तो जो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स में वैल्यू आएगी भाई कितनी आएगी फिफ्टीन पॉइंट सेवन परसेंट तो जो उसका प्रॉफिट होगा कितना फिफ्टीन पॉइंट सेवन परसेंट का प्रॉफिट होगा ऑप्शन नंबर टू